नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, भविष्य पुराण सहित दूसरे पुराण और कई शास्त्रों में भी बताया गया है कि सांप को मारना नहीं चाहिए, इससे बड़ा दोष लगता है और कई जन्मों तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी नाग नागिन या सांप को मारने से काल सर्प नामक दोष लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को असफलताओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक्य सुना जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जरा सोचिए तब क्या हुआ होगा जब गलती से हो गई एक किसान से इच्छाधारी नाग की मौत। फिर नागिन ने अपना ऐसा कहर दिखाया जिसे देखकर सभी लोग दंग रह गए। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो में इस घटना के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी महादेव के भक्त हैं वो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के जीव पाए जाते हैं जिनमें सांपों को सबसे रहस्यमयी माना जाता है। खासकर इच्छाधारी सांप जो अपनी इच्छा से कोई भी रूप ले सकते हैं, अपनी शक्तियों से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि नाग नागिन के पास बहुत सी शक्तियां होती हैं जिससे ये किसी की भी जान ले सकते हैं। पर दोस्तों, ये अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी करते हैं जब कोई इन्हें नुकसान पहुँचाना चाहता हो, हमला करना चाहता हो या मारना चाहता हो। ऐसे में अपने नाग नागिन की कहानियां जरूर सुनी होंगी, उनमें यही दिखाया जाता है कि इनका प्रेम बहुत टूट होता है। ऐसे में अगर कोई इनमें से एक को मारकर जुदा कर देता है तो इनके गुस्से का कहर बहुत भयानक होता है। ये वाक्य भारत में घटित हुआ दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से गांव चांदपुर में। खेत के समीप एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर चांदपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली हुई थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहां बहुत अंधेरा था। जयंत और राजेश नाम के दो किसान अपने खेत का सारा काम निपटाकर उसी कुएं के पास से गुजर रहे थे। ऐसे में एक दिन अंधेरे में जब ये जंगल से गुजर रहे थे तब भूलवश जयंत का एक पैर इच्छाधारी नाग के फन पर रख गया। इसके बाद जैसे ही इच्छाधारी सांप ने जयंत को काटना चाहा, पीछे से राजेश ने ये देख लिया और अपनी कुल्हाड़ी से उसने उस इच्छाधारी नाग की हत्या कर दी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं, ये तो इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास में स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। उधर जब इच्छाधारी नागिन कुएं के पास लौटकर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर वो बेसुध हो गई। उस नाग की आंखों में उसने कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इस कुएं के अंदर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया। परंतु जयंत और राजेश ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हथियारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का भेष धारण किया और चांदपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में देखे कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय जयंत और राजेश पुणे खेत में काम करके वापस लौट रहे थे, तभी उनकी इच्छाधारी नागिन पर नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था और वो अपनी सुंदरता से जयंत और राजेश को लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। उस लड़की की सुंदरता में वो इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहां पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और नागिन ने उन्हें डस डस कर दोनों को मारकर अपने नाग का बदला लिया और अपने प्रण के अनुसार दोनों के शव को उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में उन्होंने उसके नाग को मारकर फेंका था, और वो पुनः उस कुएं के आसपास ही रहने लगी। दोस्तों, आप सभी भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में किसी भी नाग नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी
तरफ से की गई एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग होया नागिन, ये सब महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि हम महादेव की भक्ति करते हैं, उन्हीं के साथ हमें इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। ऐसे में दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।